मैं इस देश के छात्रों को बोल रहा हूं कि सपना देखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सरकारी अधिकारी बनो, देश का सेवा करो, गुटखा मत खाओ। मैं ये बात बोल रहा हूं और शाहरुख खान बोल रहे हैं कि बोलो जुबा केसरी करो। अभी हम मौजूद है पटना के वीआईपी इलाके में। जी हाँ, बिल्कुल, पटना का कंकर बाग है जो कि रईसों का इलाका कहा जाता है। और अभी आपको मेरे पीछे एक पोस्टर दिख रहा होगा जिस पोस्टर में बखूबी लिखा हुआ है, हर गरीब छात्र डॉक्टर, इंजीनियर एवं आईएएस बनने का सपना देख सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, पोस्टर में आपको मनीष कश्यप जी भी नजर आ रहे होंगे और दूसरे साइड आपको ये भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि हर गरीब छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनने का आप सपना देख सकता है। ठीक उसके सामने ही आपको एक फ्रेम खाली दिख रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपको एक फ्रेम खाली दिख रहा होगा जिसमें कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले तक यहाँ पे सरगोशी का प्रचार हो रहा था इस फ्रेम में। जी हाँ, बिल्कुल, बॉलीवुड के सुपर स्टारों का फोटो यहाँ पे लगा हुआ था जो बखूबी सरगोशी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। अपने आप को किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान भी इस पोस्टर में थे, अजय देवगन भी इस पोस्टर में बखूबी नजर आ रहे थे और अक्षय कुमार की भी इस पोस्टर में मौजूदगी थी। बॉलीवुड के तीनों स्टार बिमल का प्रचार करते हुए इस पोस्टर में नजर आ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, बोलो जुबा केसरी का प्रचार इस पोस्टर में हो रहा था। और ठीक उसके जस्ट पीछे में जब मनीष कश्यप जी का पोस्टर लगता है कि हर गरीब छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनने का सपना अब देख सकता है, ठीक कुछ दिन बाद ही यहाँ से वो तीनों स्टारों का पोस्टर निकाल के फेंक दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, मनीष कश्यप जी ने भी यहाँ पे एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बॉलीवुड के तीन स्टार सरगोशी का प्रचार किस तरीके से कर रहे हैं और ठीक उसके पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब हर गरीब छात्र डॉक्टर, इंजीनियर एवं आईएएस बनने का सपना देख सकता है। जहां एक पोस्टर में गरीब छात्रों की हित में बात की जा रही है, गरीब परिवारों की हित में बात करी जा रही है, वहीं उसके आगे पोस्टर लगा के बिहार को बोलो जुबा केसरी का संदेश देने का बात किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये पोस्टर लगता है, जी हाँ, बिल्कुल, जैसे ही मनीष कश्यप का पोस्टर लगता है, जैसे ही मनीष कश्यप जी इस पोस्टर पे वीडियो बनाते हैं, उसके ठीक बाद यहाँ से बोलो जुबा केसरी सरगोशी का प्रचार करने वाले स्टारों का पोस्टर निकाल के फेंक दिया जाता है। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, अब हर गरीब छात्र डॉक्टर, इंजीनियर एवं आईएएस बनेगा का पोस्टर तो नज़र आ रहा है कंकरबाग इलाके में, लेकिन बोलो जुबा केसरी और सरगोशी जैसे ऐड करने वाले स्टारों का पोस्टर नज़र कहीं नहीं आ रहा है। आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं, ये जो इलाका है कंकर बाग का है और पटना का वीआईपी इलाका में से एक कंकर बाग इलाका आता है। और आप इस इलाके की रौनक को देख सकते हैं, जहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ रहता है, गाड़ियों का तांता लगा हुआ रहता है और ठीक मेन रोड पे होर्डिंग लगाया जाता है जिसमें सरगोशी के प्रचार करते हुए स्टार्स खुलेआम नजर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अभी हाल ही में पठान मूवी आई थी जिसे लेकर कंट्रोवर्सी किया गया था और लगातार मनीष कश्यप का खोज किया जा रहा था कि अब तो पठान सुपर हिट हो गई, मनीष कश्यप जी कहाँ है। तो पठान अब मान भी लेते हैं कि सुपर हिट हो गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन किंग खान, जो अपने आप को किंग खान कहते हैं, उनके फैंस उनको किंग खान कहते हैं और पठान का समर्थन करते हैं, तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि भाई तुम्हारे किंग खान का यहाँ से बैनर कहाँ गया। मनीष कश्यप जी तो जहाँ थे आज भी वहीं पे उस बैनर में नजर आ रहे हैं, लेकिन किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान अब इस होर्डिंग पे नजर नहीं आ रहे, उनका पोस्टर नजर नहीं आ रहा है सरगोशी का ऐड करते हुए। तो एक बार जरा ध्यान से सोचिए कि जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं जो सरगोशी का ऐड करते हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए और खुल के बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि वो बिहार को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो ये काम करते हैं, लोगों का नशा करने के लिए सिखाते हैं, ये बताते हैं कि बोलो जुबा केसरी बिमल खाइए। और आपको बता दें, तकरीबन 11 लाख मौत हर एक साल धूम्रपान से होता है और
किंग खान जैसे लोग जो अपने आप को बॉलीवुड का किंग खान कहते हैं, शाहरुख खान, जी हाँ बिल्कुल शाहरुख खान, अक्षय कुमार जिन्हें खिलाड़ी भैया कहा जाता है, फिटनेस के लिए उन्हें जाना जाता है, और अजय देवगन, तीनों लोग इस पोस्टर में बखूबी नजर आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ से वो पोस्टर हटा दिया गया है और आप मेरे पीछे का पोस्टर भी देख सकते हैं जिसमें अभी भी मनीष कश्यप बरकरार है और उनके बगल में जो शब्द लिखे हुए हैं वो अभी भी बरकरार है। आई खबरों के लिए बने रहे सच टेक न्यूज के साथ। जय हिंद।